Hi friends, good morning. Welcome or welcome back to my channel and welcome to another vlog. तो मैं हर vlog में आप लोगों को बहुत ही खुश दिखती हूँ, हंसती हुई दिखती हूँ. तो आज मैंने सोचा कि जो मेरे bad days होते हैं वो भी मैं आप सबके साथ share करूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि दर्द सिर्फ उनको ही होता है और सब लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ, सभी मैं vlogs में खुश रहती हूँ. बट आज मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है. कल रात 1 बजे से बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है. तो अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके अपना हेडेक वाली टैबलेट ले ली है और अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ. थोड़ी देर बाद अपनी टीबी की सारी टैबलेट लूँगी, तो देखते हैं क्या होता है. अभी तो बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा है. कुछ देर बाद नमस्ते, वेलकम बैक. तो कल वाली छोटी सी क्लिप थी, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं किया क्योंकि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. जो पहले मुझे माइग्रेन के लिए मेडिसिन दिया था वो काम नहीं कर रही थी, तो फिर डॉक्टर ने दूसरा मेडिसिन दिया और दूसरी टैबलेट मेरी, मतलब यहाँ पे गांव है, यहाँ पे पास में मेडिकल स्टोर नहीं है. मेडिकल स्टोर पहुंचने के लिए बस 40-50 मिनट्स लग जाते हैं, मोर देन दैट 1 आवर भी लग जाते हैं. तो कल बहुत लेट मेरी दवाई आई, तो रात को मैं दवाई खा के सोई थी. तो आज सुबह थोड़ी सी अच्छी बेटर फील हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग कर लेती हूँ. बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि सिर्फ जब मैं व्लॉग करूंगी तभी मैं फोन उठाऊंगी, नहीं तो मैं फोन बिल्कुल भी नहीं देखूंगी. तो अभी बज रहा है 9:30 एंड मैं उठ के अभी फेस वॉश करके आई हूँ. और कल दिन भर मुझे इतना ज्यादा हेडेक हो रहा था, मैं रोई और इतना, एक तो हेडेक ज्यादा हो रहा था और ऊपर से वेदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी धूप नहीं है. 3-4 दिन हो गए बहुत ही डल वेदर है. तो अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है एंड अब मैं अपना जो बेड है वो अरेंज करूंगी, फिर अपना स्किन केयर करूंगी, फिर ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर क्या क्या करती हूँ मैं सब दिखाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग. बेड अरेंज कर लिया है एंड अभी मैं ये माइग्रेन की टैबलेट जो है ये ले लेती हूँ. अब 15-20 मिनट्स बाद ही मैं अपने दूसरे टैबलेट्स लूंगी. तो बाहर मैंने कल भी वॉक नहीं किया और आज भी मैं वॉक करूं या नहीं करूं मैं समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ज्यादा हवा चल रही है बाहर और बिल्कुल भी धूप नहीं है. फिर भी मैं देखती हूँ, मैं एक जगह चुपचाप तो बैठ नहीं सकती. जब मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, जब मेरे से उठा ही नहीं जा रहा है, तभी मैं चुपचाप एक जगह बैठती हूँ, नहीं तो मैं बैठ नहीं सकती. तो जाके देखती हूँ और मम्मी को किचन में कुछ हेल्प चाहिए होगा तो हेल्प करा देती हूँ. हाँ, मम्मी ने कहा किचन में कुछ भी काम नहीं है. मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट्स रेस्ट किया और अभी थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ. यहाँ पे स्टेयर्स पे नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे वॉक करने की जगह भी ऐसी है. यह सीम रायो, इट इज अ लीफी वेजिटेबल, वेरी गुड फॉर आईज और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. इसकी सब्जी भी खाते हैं, इसकी सूप भी खाते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस. मुझे बचपन से सीम रायो पसंद ही नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा होता है. तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने लगाया है, पानी में होता है ये. तो यहाँ पे ऐसा है, पानी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मेरी मम्मी ने लगाया है एंड नीचे भी है. बहुत अच्छा था लेकिन कल मम्मी ने कट करके, उनके फ्रेंड लोग आए थे तो उन लोगों को दे दिया, इसीलिए अभी थोड़ा ही बचा है. यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ज्यादा था, मम्मी ने कल ये कट कर दिया सारा. और मम्मी यही सब्जी बना रही है आज, आलू भी बना रही है मेरे लिए और ये उन लोगों के लिए बना रही है, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. करते यहाँ पे खेत में आ गई हूँ और यहाँ आप लोग देख सकते हो पीछे पूरा ये खेत है, जो प्लेन्स में बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स होती है, यहाँ पे हिल्स में ऐसी नहीं होती, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी होती है. राइस लगा हुआ था, राइस कट कर दिया है. तो ये राइस कट करके अभी यहाँ पे क्या क्या कराना पड़ेगा वो मुझे नहीं पता, बट हाँ राइस कट कर दिया. अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉर्न लगाएंगे, फ्लावर्स लगाएंगे, वही कुछ लगाएंगे. एंड यहाँ पे ना इतना ब्यूटीफुल है, ये पता नहीं क्या है पर इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है. ये पानी के ऊपर से जा रहा है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, पर इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. ऊपर से मम्मी बुला रही है, कह रही है थोड़ी देर अच्छा फील होगा तो तुम इधर उधर चलती रहती हो, फिर से सर दर्द हो जाएगा, घर आ जाओ. तो अभी मैं घर जाऊंगी, ऊपर चलना है यहाँ से, तो अभी मैं घर जाऊंगी एंड घर जाके मैं अपनी दूसरे टैबलेट्स लूंगी, फिर मिलती हूँ.
आज है 26 जनवरी। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। शायद ये व्लॉग कल जाए परसों जाए, कब मैं एडिटिंग कर पाऊंगी तभी जाएगा, क्योंकि मैं बना तो रही हूँ बट एडिट करने में मुझे टाइम लगता है। एंड अभी मम्मी बोल रही फोन ज्यादा मत देखो, एंड शी इज राइट, माइग्रेन हो रखा है, सर में दर्द अभी थोड़ा कम हुआ है तो फोन कम ही देखना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला मैं सिर्फ व्लॉग बनाऊंगी, एडिट तब करूंगी जब मुझे थोड़ा ठीक लगे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आज मेरे गांव में एक शादी है, वेडिंग रिसेप्शन है और कार्ड आया हुआ है, 3 बजे का है। तो मेरी मम्मी जाएंगे, मुझे भी जाने का बहुत मन था लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए 20 to 30 minutes वॉक करना पड़ता है, वो भी सीधे रास्ते नहीं, ऊपर स्टेयर्स है बहुत सारे, तो स्टेयर्स में वॉक करके जाना पड़ता है। तो मैं नहीं जा रही हूँ, एक तो मुझे वॉक करना पड़ेगा, दूसरा फिर कोविड का टाइम है तो कितने लोग आएंगे पता नहीं, वैसे भी इम्यूनिटी लो है और हेडेक भी हो रहा है, घर पे पापा को भी फीवर है, तो नहीं जा रही हूँ मैं, बट मम्मी जाएंगी। तो अभी मैं नीचे से ऊपर आके घर पहुँच गई हूँ, इम्पोर्टेंट टीबी की मेडिसिन लूंगी और जो कैल्शियम और ये सब है वो नहीं लूंगी आज, क्योंकि हेडेक है और सुबह मैंने हेडेक के लिए भी माइग्रेन के लिए भी टैबलेट ली है, इसीलिए तो मेडिसिन लेके मिलती हूँ। पानी का बॉटल नहीं खुल रहा है, खुल गया। तो फ्रेंड्स मैंने मेडिसिन ले ली है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और अगर मुझे नींद आ गई तो मैं सो ही जाऊंगी, क्योंकि सर में अभी भी इधर इधर थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो मैं सो जाती हूँ अगर नींद आए तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बैक, अभी 1 बज रहे हैं एंड मैं सोई हुई थी, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उठ के मैंने नहा लिया, तो इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, अभी धूप भी नहीं आ रही है, बहुत ही डल वेदर है, आप लोग देख सकते हो, ऊपर दिखाती हूँ, बहुत ही डल वेदर है। तो हेड वॉश नहीं किया क्योंकि सर में थोड़ा सा दर्द अभी भी है एंड हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। शेरू कम हियर बीबी, कम हियर, इधर जा। तो शेरू यहाँ पे मेरे साथ बैठा हुआ है, ही इज लाइक माई बॉडी गार्ड, जब भी मेरे साथ ही होता है ना, और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और आज रिपब्लिक डे है तो सभी जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड मेरे गांव में भी 2 जगह पिकनिक है, 1 जगह शादी है, तो मेरी मम्मी जाएंगी, 3 बजे का कार्ड आया है, मतलब 3 बजे का इन्विटेशन आया है, तो मम्मी जाएंगी। तो पिकनिक है वहाँ पे मेरे कजन्स के, वहाँ पे उन लोग का यूथ क्लब का पिकनिक है, तो गाने वाने बजा रहे हैं यहाँ सुबह से, मतलब रात के 5-6 बजे से ही गानों की आवाज़ सुनाई दे रही है एंड थोड़ी सी धूप भी आ गई, आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी कुछ करना है नहीं, 1 बज गए, तो थोड़ी देर बाद मैं लंच करूंगी एंड देखते हैं क्या होता है। वेलकम बैक, अभी बज रहा है 2:30 एंड यहाँ पे मेरी सिस्टर आई है, तो ये है मेरी सिस्टर, हाई बन, तो ये अभी मेकअप कर रही है क्योंकि उसको बनाना है इंस्टाग्राम में रील्स, बहुत ज्यादा रील्स बनाती है, तो उसको अभी आईलाइनर क्या लगा रहे हो, आईलाइनर ना, आईलाइनर लगा रही है। तो मुझे भी बोलती है कि रील्स बनाओ, चलो साथ में रील्स बनाएंगे, लेकिन मुझे एक्सप्रेशंस देना नहीं आता, तो कितनी बार हमने ट्राई किया बट मेरे से नहीं हुआ, और वो बहुत अच्छी तरह से बनाती है, तो अभी वो मेकअप करेगी फिर मैं उसका हेल्प करूंगी रील्स बनाने में, अभी उसका फोन पकड़ने में कैमरा मैन बन के। तो अभी वो लगा रही है, जब मैं उसके एज की थी तो मेरे पास फोन भी नहीं था, और यहाँ पे मैडम को देखिए रील्स बनाने के लिए इतनी मेहनत। हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव? 590। ओ, 590 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, मेरे 200 तो 590 फॉलोअर्स है, तो विश यू जल्दी तुम्हारा बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए। तो अभी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, वो रील्स बनाएगी करके, अभी वो लगा रही है, फिर उसके लिए क्या क्या ढूंढना है। तो मैंने ये वाली इयररिंग निकाल दी है उसके लिए, वो ये पहनेगी और अभी क्या पहनेगी और क्या करेगी वही देखना है, आज बहुत मजा आने वाला है, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये रेडी और अब बनाएंगे ना, देखो ना, तो वो बोल रही है मत दिखाओ, तो अभी बनाएंगे रील्स। तो यहाँ पे हो रही है रील्स बनाने की तैयारी। अब यहाँ का अलीशान रोजा प्लीज कम मैडम, आइए, राम रिवे देख सकता हूँ। तो अभी मैडम रील्स बना रही है और मैं यहाँ पे बैठ के टांग खींच रही हूँ।
और उसका फोन पकड़ना है मुझे, ऐसा रही है ना? रील बन चुका है और यहाँ भूतनी बन के बैठी हुई है, चुड़ैलनी बन के। तो अभी मम्मी कर रही है शादी में जाने की तैयारी, तो अभी मम्मी का स्टार्ट हो रहा है तो उनका भी दिखाती हूँ क्या क्या निकाला हुआ है। और मम्मी ने ये वाली साड़ी ली है, ये वाली साड़ी पहनेंगी मम्मी। तो अभी साड़ी यहाँ पे निकल चुका है एंड मम्मी यहाँ पे है, तो अभी मेकअप करने वाली है। तो मम्मी जब रेडी हो जाएंगी तब दिखाऊंगी। शादी में जा रही है, मेरे हिस्से का भी खा के आना। ओके ओके। तो मम्मी को दिया है एंड इतनी ठंड में स्वेटर पहन के जाना पड़ेगा तो साड़ी का पूरा लुक खराब हो जाएगा स्वेटर पहन के। बाय बाय। तो मम्मी जा रही है ऊपर, क्योंकि ऊपर से बहुत टाइम से बुला रहे हैं, तो जा रही है मम्मी। तो फ्रेंड्स मम्मी चली गई है, 3:30 हो गया है, 3 o'clock का इनविटेशन था, लेट हो गई। और मेरी सिस्टर जो है यहाँ पे, ये भी अभी घर जाने वाली है क्योंकि उसकी मम्मी का कॉल आया है एंड बुला रही है। तो जाओगी ना अभी? तो वो जाएगी तो फिर से मैं अकेली पड़ जाऊंगी, तो अभी मैं सो जाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हो। कहाँ पे दिखाऊंगा? इधर वहाँ पे ऊपर आप वहाँ पे दिखाते हो, वहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो पत्ते इधर उधर हिल रहे हैं, तो बहुत ठंड है। तो अब मम्मी भी चली गई, ये भी चली जाएगी, तो मैं क्या करूँ, मैं सो जाती हूँ। वो ये बोल रही है मुझे उसके घर चलने को, फिर शाम में कौन लेके आएगा, 3:30 हो गया है, मैं पूरा हेडेक भी हो रहा है ना, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ उसके घर, मैं सो जाऊंगी। और ये जा रही है, तो मेरा नेल पेंट दिखाओ मैडम का, दूसरा दिखाओ ना, मैडम का स्टाइल देखिए, आईलाइनर देखिए। ओह माय गॉड, कौन बोलेगा शी इज 16 इयर्स ओल्ड। तो बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो एंड यस। तो बाय बोलो, जा रही हो ना, बाय बोलो। मुंह है बाय। मेरी मम्मी भी चली गई है शादी में, अनिशा भी उसके घर चली गई, तो मैं अभी घर पे बैठी हूँ, इट्स 4 o'clock एंड मुझे थोड़ा सा हेडेक भी हो रहा है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अब मैं सो जाती हूँ। सो आई होप आप लोग ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोग ये व्लॉग पसंद आया हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।